चार्जेबल पंखा है, छोटी बैटरी के साथ छोटा पंखा, डबल स्पीड के साथ है ये आपकी, ये स्लो ये फास्ट। और इसमें एक मज़े की बात है, इसमें एलईडी लाइट भी दी हुई है आपको, ये दोनों खूबसूरत आ गए ज़रा। ये छोटा है, ये बड़ा साइज है इसका। हवा भी सही है, हवा भी अच्छी है, और ऑटोमेटिक चार्जर लगाया हुआ है हमने इसके साथ, और ज़रा फैंसी खूबसूरत अच्छा लगता है। बाकी फिर बड़े में आ गया, ये रेगुलेटर लगाया जी। बैकअप इसका बड़े वाले का 3 घंटे है, छोटे वाले का 2 ही घंटे। पाकिस्तानी पंखे, इसके अंदर भी बड़ी बैटरी लगाई हुई है, बैकअप इसका 2.5 से 3 घंटे, मूविंग भी करता है ये। ये इसके साथ भी बैटरी वैटरी लगाई हुई है हमने, ऑटोमेटिक चार्जर लगाया हुआ, बैटरी वैटरी सब कंप्लीट पैकेज बना के देते हैं हम इसको। ये पंखे जो हैं ये सोलर भी चलते हैं, बैटरी भी चलते हैं, और 220 भी चल जाते हैं, मगर हेडोपेट लगाना पड़ता है उसके लिए आपको। ये है तो रिफर्निश, मगर जीरो बाहर की बैटरी है, मेड इन वियतनाम, वियतनाम की बैटरी है। अस्सलाम वालेकुम जैद भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा जैद भाई, चार्जेबल पंखों के बारे में थोड़ा मालूम करने आए थे आपके पास, कौन कौन से होते हैं और किस किस रेट पे होते हैं और क्या क्या एक्सेसरी के साथ कंप्लीट होते हैं, पहले बता दें आपको। पहले तो ये छोटे में आ जाते हैं, हम छोटे से शुरू करते हैं। ये चार्जेबल पंखा है, छोटी बैटरी के साथ छोटा पंखा, डबल स्पीड के साथ है ये आपकी, ये स्लो ये फास्ट। और इसमें एक मज़े की बात है, इसमें एलईडी लाइट भी दी हुई है आपको, सही है। और 2 घंटे का बैकअप है मैक्सिमम, सही है, मिनिमम मैक्सिमम दोनों 2 घंटे का बैकअप है इसका। बाकी ये हवा है, सही है। इसके अलावा फिर इसमें बड़ा पंखा ऐड कर देते हैं हम, गेरा ये पंखा बड़ा है, बाकी अंदर का मटेरियल सेम लगा हुआ दोनों का। अच्छा, तो ये जैसे पहले से दिखाया आपने, उसकी प्राइस और इसकी प्राइस में सेम ही है, 3500 रुपये। कंप्लीट है बिल्कुल जी, कंप्लीट बैटरी वैटरी के साथ है, तो चार्ज करें इस्तेमाल करें। बाकी फिर अच्छा ज़रा खूबसूरत में आ जाए ना, खूबसूरत में ये आ गया, फिर ये दोनों आ गए, ये दोनों खूबसूरत आ गए ज़रा। ये छोटा है, ये बड़ा साइज है इसका। हवा भी अच्छी है, और ऑटोमेटिक चार्जर लगाया हुआ है हमने इसके साथ, और ज़रा फैंसी खूबसूरत अच्छा लगता है। बाकी फिर बड़े में आ गया, ये रेगुलेटर लगा जी, ये मूविंग भी करता है। इसका क्या है बैकअप वगैरह? बैकअप इसका बड़े वाले का 3 घंटे है, छोटे वाले का 2 ही घंटे। प्राइस बता दें, प्राइस ये आपको पड़ेगा 5000 रुपये का, ये आपको पड़ेगा 7000 रुपये का। ये बड़ा पंखा बड़ी बैटरी के साथ है, ये छोटा पंखा छोटी बैटरी के साथ। अच्छा, इनकी कोई बता दें पायदारी भी थोड़ी सी? नहीं, पायदारी तो है, चलते हैं 1.5 साल निकाल देते हैं आपका बैटरी बैकअप। ये जैसे स्टैंड वाला है, पिन दिखा रहा है जी जी। तो ये हमारे पास एक ये बड़ा वाला पंखा भी है, पैनासोनिक के नाम से है, मगर पैनासोनिक ओरिजिनल नहीं होता, ये पाकिस्तानी पंखे हैं। इसके अंदर भी बड़ी बैटरी लगाई हुई है, बैकअप इसका 2.5 से 3 घंटे, मूविंग भी करता है ये। ये बाकी हवा इसकी आपके सामने ही है, अच्छी हवा, डबल स्पीड के साथ है ये। इसके अलावा ये 9000 रुपये का नई बैटरी के साथ होता है, ये बड़ी बैटरी लगी हुई होती है इसके लिए, सही है। बाकी ये पंखा चलता है, ये इसके साथ भी बैटरी वैटरी लगाई हुई है हमने, ऑटोमेटिक चार्जर लगाया हुआ, बैटरी वैटरी सब कंप्लीट पैकेज बना के देते हैं हम इसको। ये कितने का पैकेज? ये 9500 पड़ेगा, नई बैटरी के साथ है, कंप्लीट पैकेज। और इसका बैकअप? इसका बैकअप 2 घंटे का। ये गॉड पीछे रखा, ये सिर्फ पंखा है, सिर्फ पंखा है। हाँ, बैटरी वैटरी कुछ नहीं लगी हुई इसके साथ, ये 4500 रुपये का। 4500 का इसको तैयार करवाता है बजट? तैयार करवाना चाहे करवा सकते हैं, बैटरी के हिसाब से पैसे बढ़ जाते हैं, जितनी बड़ी बैटरी होगी उतने पैसे होंगे। और ये जैसे ये भी सिर्फ पंखे है, ये पंखे जो हैं ये सोलर भी चलते हैं, बैटरी भी चलते हैं, और 220 भी चल जाते हैं, मगर हेडोपेट लगाना पड़ता है उसके लिए आपको। अच्छा जी, तो ये पंखे थोड़ा बता देते कि कितने के हैं? ये वाला आपको पड़ेगा 1700 रुपये का एक पंखा। 1700 रुपये का सिर्फ जी। और इसके साथ सोलर का अगर जैसे क्या क्या लगता है? बाकी अगर बैटरी लेना चाहें, बैटरी फिर अलग है, आपको बैकअप के हिसाब से बैटरी मिलती है, चार्जर बैटरी का
फिर वो अलग जो जितना आप बनाना चाहो बना सकते हो आप, जो जो चाहिए आप। अगर सोलर पे चलाना चाहें तो आपके लिए लाजमी सोलर की प्लेट होनी चाहिए आपके पास। अच्छा जी। और बाकी कंट्रोलर हो सोलर का, अगर बैटरी बैकअप, बैटरी भी होनी चाहिए, चार्जर भी होना चाहिए, बहुत सारी, फिर बहुत हो जाता है, फिर बहुत सारी चीज़ें आपको लगानी पड़ती है। ये सब चार्जर लगे ये लेंगे कि आपका 50 एमबी से लेके 70 एमबी तक की बैटरी चार्ज कर सकता है, ऑटोमेटिक चार्जर है ये। ये आपको पड़ेगा 1400 रुपये का। उसके बाद फिर ये आता है चार्जर, ये दोनों चार्जर आते हैं, ये आपका 50 एमबी से लेके 150 तक की बैटरी चार्ज कर सकते हैं ये दोनों। ये आपको पड़ेंगे 2000 रुपये के चार्जर, 20 एमबी का चार्जर है। इससे बड़े फिर ये आते हैं दोनों 30 एमबी के चार्जर, ये आपकी 50 एमबी से लेके 150 से 180 तक की बैटरी चार्ज कर सकते हैं, और ऑटोमेटिक डिजिटल होते हैं ये। और रेट में इनका क्या है? ये रेट आपको पड़ेंगे कि आपको लेने के लिए 3000 रुपये के चार्जर है, वारंटी वाले हैं ये। अच्छा। इनमें वारंटी है, इसकी खास बात है। पिछले वाले पे ये आते हैं सिंटेक, फोर्स, ये सब हैवी चार्जर होते हैं। ये हैवी है, ये सारे 6000 रुपये का है, ये 5000 रुपये का है। तो बकायदा कंपनी प्रॉपरली चार्जर है और अच्छे चार्जर है। अगर ड्राई बैटरी में है तो ड्राई बैटरी में हमारे पास ये छोटी एक 12V 5 एम्पीयर की बैटरी होती है, एक 12V 7 एम्पीयर की बैटरी होती है। ये ड्राई बैटरी होती है, अक्सर पंखों में आपको ये लगी हुई मिलेंगी। तो ये कितने में मिल जाती है आपके पास, कोई इसका प्लान है अगर? ये अगर आप 0 मीटर लेंगे, 0 मीटर आपको 2500 रुपये की छोटी वाली, और बड़ी वाली 3000 रुपये की। और 0 मीटर और उसके बगैर के पुरानी भी होती है? पुरानी रिफर्निश भी आती है। अच्छा। ये बड़ी हुई रिफर्निश ये वाली जी। तो इसमें रिफर्निश में ये खासियत है कि आपको बाहर की बैटरियाँ मिलती हैं। एक दिखा देते हैं, अच्छी बात बताएं। दिखा देते हैं आपको हम, ये है तो रिफर्निश मगर जीरो बाहर की बैटरी है, मेड इन वियतनाम, वियतनाम की बैटरी है, 3000 रुपये की ये भी बैटरी है, बस बैटरी अच्छी है, बैटरी अच्छी। ये मैक्सिमम इसकी क्या आपके पास रिपोर्ट आई है, कितना है इसका, ज़्यादा होता है बैकअप? ये बैकअप तो 2 घंटे देती है मैक्सिमम, मिनिमम सॉरी, और लाइफ इसकी 1.5 साल होती है अगर चार्जिंग सही रखेंगे तो। जी अब ये आ गए हम डीसी फैन में, आ गए सीलिंग फैन जो कहलाते हैं आजकल। ये एसी डीसी फैन है जी, एसी डीसी, ये बिजली भी कम लेते हैं और पायदारी में भी अच्छे हैं। ए एफ सी वालों का है, उस्मान एशिया के नाम से और राडो के नाम से। ये एसी डीसी फैन है, ये बैटरी पे और बिजली पे और सोलर पे तीनों पे चल जाते हैं ये। ये ए एफ सी का लेंगे, ए एफ सी का आपको पड़ेगा 8500 का, उस्मान का लेंगे 6500 का, और राडो लेंगे 9000 रुपये का। ऑनलाइन ऑनलाइन अकाउंट तो है हमारा, मगर हम उस पर ज़्यादा एक्टिव है नहीं अभी, तो बाहर हम आपको कार्ड दे देंगे, अपना नंबर दे देंगे, उस पर आप रब्ता कर लें। थोड़ी अपनी लोकेशन बता देते हैं। लोकेशन बहुत आसान है, सदर रीगल चौक, मेन सदर रीगल चौक पे ही है, दूसरी गली है, और गली की पहचान हमारी ये गली के कोने गन्ने की मशीन लगी हुई है, उससे गली की पहचान होती है। शॉप नंबर 10 है, टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक जी, ओनर का नाम इरफान है, अक्सर इरफान भाई के नाम से जानते हैं यहाँ पे, और टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक के नाम से भी। थैंक यू बहुत।